हेलो बच्चों, आप सभी का मेरी चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि छालिया में स्वागत है। आज मैं क्लास थ्री की एनसीईआरटी बुक से यूनिट सिक्स का क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। इस लेसन का नाम है ट्रेन्स। इस लेसन को, इस पोएम को मैंने पढ़ के वीडियो सेंड किया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों ने विद एक्सप्रेशन इस पोएम को जरूर पढ़ा होगा। अब है अभी हम लोग न्यू वर्ड्स के मीनिंग पढ़ेंगे और साथ में उसको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, मेक सेंटेंस करेंगे। इससे आपका वर्ड पावर बढ़ जाएगा, आपको वर्ड सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। जैसे है, पहला वर्ड है माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स। सो मैं पहले इसका मीनिंग बताती हूँ। ए लार्ज स्टीप हिल, जो बहुत ही खड़ा सा पहाड़ होता है, बिल्कुल खड़ा, उसे माउंटेन कहते हैं। हम लोग इसको सेंटेंस में बनाएंगे अभी। वी कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम आवर क्लासरूम विंडो, में हमारे क्लासरूम के विंडो से हमें माउंटेन्स दिखते हैं। वी क्लाइम द माउंटेन्स विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, हम लोग माउंटेन्स को क्लाइंब कर सकते हैं, उस पर चढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत की जरूरत होती है। नेक्स्ट वर्ड इज पैसेंजर्स। तो बच्चों, पैसेंजर्स मीनिंग अ ट्रेवलर ऑन अ पब्लिक कन्वेयंस। आप लोग जब किसी ट्रेन की सवारी करते हैं, किसी बस की, पब्लिक बस की सवारी करते हैं, तो आप लोग पैसेंजर्स होते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। द पैसेंजर्स वेयर टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी के बाद पैसेंजर्स जो हैं वो थक चुके हैं। पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल विदाउट टिकट, बिना टिकट के कोई भी पैसेंजर ट्रेवल करने को अलाउ नहीं होते। नंबर थ्री इज रिवर्स। रिवर्स मीनिंग अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। रिवर आपको सबको पता है, हिंदी में नदी कहते हैं, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द रिवर्स क्रॉस्ड ईच अदर एट ए पॉइंट, एक दूसरा रिवर भी, रिवर्स अलग दूसरे रिवर्स के साथ क्रॉस करते हैं कोई ना कोई पॉइंट पे जाके, और लास्ट में कहाँ, सागर में मिल जाते हैं। द रिवर्स क्रॉस्ड द माउंटेन्स, रिवर्स माउंटेन्स से होकर गुजरती है। प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसका जो बहुत ही बहुमूल्य, मतलब बहुत ही मूल्यवान हो, प्रीशियस। एग्जाम्पल सेंटेंस, इट इज अ प्रीशियस वर्क ऑफ आर्ट, एक काम आर्ट का, ये बहुत ही बहुमूल्य काम है। टाइम इज प्रीशियस, समय बहुत ही बहुमूल्य होता है। अगर समय का खर्च हम अच्छे से नहीं करेंगे तो वह नुकसान हम ही को होता है। मेल, लेटर्स एंड पार्सल्स सेंट बाय पोस्ट, जो भी लेटर्स या फिर कोई भी चीज, पार्सल, जब हम लोग बाय पोस्ट भेजते हैं उसे मेल कहा जाता है। मेक सेंटेंस, आई गॉट अ मेल फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, मुझे मेरे दादाजी से एक मेल आया है। ही डिड नॉट रिसीव एनी मेल फ्रॉम हिज कलीग, उसने अपने साथियों का कोई भी मेल रिसीव नहीं किया है। आजकल हम लोग मेल जो है, ईमेल भी करते हैं, तो वो भी मेल ही है, क्योंकि उसमें भी हमारा कोई लेटर या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हम लोग शेयर करते हैं। प्लेन्स, अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विथ फ्यू ट्रीज, प्लेन्स
जो है हम लोग को ट्रेन से जाते हुए दिखता है, जो कि दोनों तरफ ही पटरी के दोनों तरफ सिर्फ लैंड ही दिखता है, मीन्स जमीन ही दिखती है, फ्यू ट्रीज होते हैं, कभी तो इस पे खेती भी दिख सकता है, तो उसी को कहते हैं प्लेन एरिया. ओके, इसका मेक सेंटेंस, काउज वे ग्रेजिंग इन द प्लेन्स. काउ जो है वो चढ़ रहा है प्लेन में, घास चढ़ रहा है. वी वेंट टू ए वास्ट ओपन प्लेन ऑन पिकनिक. हम लोग पिकनिक में एक वास्ट ओपन प्लेन में गए थे. डस्क, डस्क मतलब डिम और डार्क. एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वेंट होम एट द एंड ऑफ डस्क, मीन्स एंड ऑफ डस्क मीन्स वो डार्कनेस के कम होते होते वो घर पहुंचा है. द डस्क फेल क्विकली, दिन ढलते ही डस्क हो जाती है. डॉन, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, पहला सूरज का किरण जब पड़ती है उस टाइम को डॉन कहा जाता है. वी हैड टू गेट अप एट द टाइम ऑफ डॉन, जिस समय सूरज की पहली किरण उगती है उसी समय हमें जग जाना चाहिए, बस बिस्तर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कैन मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. नंबर टू, द डॉन ब्रॉट गोल्डन रेज ऑफ सनलाइट विथ इट. डॉन के साथ ही जो फर्स्ट लाइट होता है उसके साथ ही गोल्डन रेज जो है सनलाइट की लेकर आता है डॉन. नाउ रीडिंग इज फन, तो बच्चों रीडिंग इज फन में चार क्वेश्चंस हैं, हम लोग अभी करेंगे. नंबर वन, वेयर डू द ट्रेन्स रन. इसमें पूछा है कि ट्रेन्स कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है. द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स. ट्रेन जो है वो माउंटेन के ऊपर से, प्लेन एरिया के ऊपर से और रिवर्स के ऊपर से गुजरता है. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी. ट्रेन क्या क्या कैरी करता है, बहुमूल्य चीजें क्या क्या कैरी करते हैं. पैसेंजर्स एंड मेल्स आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी. इसमें बैठे लोगों को और जितने भी लोगों के मेल्स होते हैं, पार्सल्स होते हैं, वो सब कुछ ट्रेन जो है कैरी करता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन डू द ट्रेन्स रन. ट्रेन्स कब चलती है. आंसर, द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस. ट्रेन जो है वो दिन में भी और अंधेरा होने के बाद भी चलती है. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज डस्क एंड डॉन. आंसर फोर, डस्क इज द टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली आफ्टर सनसेट. सनसेट के बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जो है उसी को डस्क कहते हैं, मीन्स सन जब डूबता है. डॉन इज द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, और डॉन मतलब जब पहली सूरज की किरण पड़ती है. नेक्स्ट इज टॉक टाइम. बच्चों वैसे तो टॉक टाइम जो है अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने के लिए दी होती है, लेकिन मैं इसको किस लिए कराती हूँ, ताकि आप लोग इसको छोड़ के ना जाए, क्योंकि अभी तो आप लोग घर में हैं, इसको जरूर कंसल्ट करिए, आपकी क्रिएटिविटी को बहुत सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं इसको पढ़ूंगी. क्वेश्चन नंबर वन, डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स. क्या आप लोग को मजा आता है ट्रेन राइड्स में. यस, आई एंजॉय ट्रेन राइड्स. आई लाइक टू गो ऑन ट्रेन राइड विथ माई फैमिली मेंबर्स. हाँ, मुझे बहुत मजा आता है ट्रेन की जर्नी में, और मैं अपने फैमिली के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है.
Question number two, if you had to travel over a long distance, how would you like to go and why? अगर आपको बहुत ही लंबी जर्नी करनी हो, बहुत दूर जाना हो, तो आप कैसे जाना चाहोगे और क्यों? तो बच्चों, हम ज्यादातर ट्रेन से जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये आप लोग जैसे सोचते हैं उस ढंग से आपको लिखना है, आपको कैसे जाना पसंद होता है और क्यों। क्वेश्चन नंबर थ्री, या तो लिख लीजिए या तो फिर आप लोग सिर्फ बातों से बोल के उसको डिस्कस कीजिए। इफ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू? अगर आपको एक रात की जर्नी करनी हो ट्रेन में, आपको ट्रेन में ही पूरी रात बितानी हो, तो आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे? एक सूटकेस दिया गया है, इसके अंदर में आपको ड्रॉ करने हैं जो भी सामान आप ट्रेन में जाते हुए लेके जाएंगे। ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस। इसका मैंने आंसर लिखा है, लेकिन इसको लिखना तो नहीं है, आप लोग सिर्फ डिस्कस कीजिए। If I had to spend the night on a train, I would take a blanket, pillow and a water bottle with me. दूसरा, अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो भी लिखिए। और उस सूटकेस में आप लोग क्या क्या ड्रॉ करेंगे? आपके कपड़े, आपके खाना का सामान और आपका कैमरा। आजकल कैमरा तो रहता है साथ में, मोबाइल लेने से भी कैमरा उसमें आ ही जाता है। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। राइट फोर सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी। You can use some of the following words and phrases. इसमें कुछ phrase और words दिए गए हैं। इसको use करते हुए आपको एक journey लिखनी है। Train की हो या bus की हो, आप कहीं पर गए होंगे तो उसी तरह से लिखनी है। मैं लिखकर लाई हूँ, आप खुद से भी जरूर लिखेगा। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस दिया हुआ है, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माय फादर। ओके, तो मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। एक बार वर्ड्स पढ़ लेते हैं ऊपर। हाँ, मैनी पीपल, स्टेशन ऑब्लिक बस स्टेशन, विंडो, सीट, टिकट, क्राउडेड टी स्टॉल्स, River, big and small trees, hills, loud whistle. Okay, is any words from use करेंगे इसमें। I went to the railway station with my father. The train was waiting for the passengers to board. I got the seat near the window. The ticket collector came to check our tickets. As the train started to run, I saw big and small trees on the way. The train also passed the hills. After an hour, the train took a halt at the next station. We got down from the train to get some tea. The tea stalls were crowded with many people. After few minutes, the train blew a loud whistle to indicate its passengers to board the train. तो इसी तरह से आप लोग अपना ऐसे पैराग्राफ लिखिएगा। Next is word building. Short out these different means of transport into correct groups. One is done for you. एक हेल्प बॉक्स में कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को आपको नीचे तीन कॉलम्स बना हुआ है, लैंड, एयर, वाटर, इसमें फिलअप करने हैं। तो लेट्स रीड द वर्ड्स। ओके,
bus. Bus is a land transport. Car. Car is a land transport. तो इसके बस के नीचे कार लिखना है. Then aeroplane. Aeroplane is air transport. Ship. Ship is water transport. Train. Train is land transport. Bicycle. Bicycle is land transport. Helicopter. Helicopter is air transport. Truck. Truck is land transport. Steamer. Steamer is a water transport. इसमें मैंने आंसर भी लिखे हैं, ये देखिए. ओके, तो इसी तरह से आपको बस, कार, ट्रक, ट्रेन, ये चारों आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एयर ट्रांसपोर्ट एंड शिप, बोट, स्टीमर, ये हो गए वाटर ट्रांसपोर्ट. कंप्लीट द सेंटेंसेस. गिव मी सम, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, दो दो ऑप्शंस दिए हैं. इसमें से एक ऑप्शन इस ब्लैंक एरिया में आएगा. गिव मी सम डैश टू ईट. गिव मी सम खाने के लिए फूड चाहिए, क्लॉथ्स, फूड, हाँ, फूड टू ईट. ओके, नेक्स्ट, प्ले विथ डैश, प्ले विथ मी. Swim across dash. Swim across the river. Let's get on the dash. Let's get on the train. उसके बाद पेज नंबर 56 में है पेपर फन. पेपर फन के लिए आपको जैसे इंस्ट्रक्ट किया है, आप लोग ऐसे ही पेपर को फोल्ड करते हुए बनाइएगा. 1, 2, 3, 4 करके किया हुआ है और एक पोयम है, इसको आप लोग पढ़िएगा. ओके, नाउ से अलाउड. से अलाउड, इसको जोर जोर से पढ़ने के लिए कहा है. मेल, फेल, डॉन, ऑन, प्लेन्स, ट्रेन्स. नाउ एक छोटी सी पोयम है. इंजन, इंजन, नंबर 9. इंजन, इंजन, नंबर 9. When she is polished, she will shine. Engine, engine, number 9. 10 will ride on the Shimla line. So, बच्चों, thank you. ये बहुत अच्छा poem है. और आप लोगों को प्रश्न उत्तर अच्छे ही लगे होंगे. मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप लोग मेरे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, तभी आप लोगों को मेरी वीडियो फर्स्ट मिल जाएगा. धन्यवाद.